ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अनिल जी। एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है उषा मार्टिन, 63 रुपए के आसपास अनिल जी करंट भाव है। मुझे लगता है कि एक लंबी साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि 70 रुपए का एक पहला टारगेट लगाकर यहाँ पर बीटीएसटी करके खरीद के जा सकता है 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बट पोजिशनल तौर पे मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पर बड़ी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। 90 और 92 रुपए तक के बड़े टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया है अनिल जी। इस स्टॉक को पहले मैंने एसपीएल मिड कैप में भी रिकमेंड किया है लोअर लेवल्स पर, आज जिस तरह का यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है इस तमाम सेक्टर में, चाहे वो जिंदल स्टेनलेस हो या जिसकी आपने ट्यूसडे के शो में जिक्र भी किया था, स्टॉक आज 20% ऊपर है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी फॉलो अप करता नजर आएगा और यहाँ भी पोटेंशियल है कि ये सर्किट की तरफ जाता हुआ बंद हो सकता है। तो उषा मार्टिन रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है अनिल जी। 60 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 70 रुपए का पहला टारगेट बीटीएसटी का, और पोजिशनल तौर पे यहाँ पर 90 से 92 रुपए के टारगेट के लिए उषा मार्टिन में खरीदारी की राय है। मुथूट पे जिसमें एक मुझे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, मन्नापुरम ऑलरेडी 10% ऊपर है। मुथूट और मन्नापुरम नॉर्मली साथ साथ चलते हैं। मुथूट अभी कुछ 4.5% ऊपर है। अभी करंट भाव है 1600 1602। मुझे लगता है 1640 तक की अप मुझे दिख रही है, कल सुबह या कल के दिन तक आनी चाहिए। आपका 1585 का स्टॉप लॉस, 1640 का टारगेट।